वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नयाब और आप देख रहे हैं बीस्ट फिटनेस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनाड्रोल प्री कॉन्टेस्ट में किस तरह यूज़ किया जाता है। यस फ्रेंड्स, आप एनाड्रोल को समझते होंगे ये बल्किंग में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसे बॉडी बिल्डर्स प्री कॉन्टेस्ट 2 हफ्ते पहले या 20 दिन पहले भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मिसकंसेप्शन ये है कि मून फेस, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन, ये सब आप ये सब सोचते हो, लेकिन एनाड्रोल उस तरह का कंपाउंड नहीं है अगर आप इसे सही तरह से यूज़ करो। एनाड्रोल जब आप डाइट करते हो बहुत ज़्यादा, आप रिप्ड तो हो जाते हो लेकिन मसल का जो फुलनेस होता है, वो चला जाता है, आप बहुत छोटे लगते हो। लेकिन एनाड्रोल अगर आप डी डे से प्री कॉन्टेस्ट 2 हफ्ते पहले अगर यूज़ करते हो तो आपके मसल्स में वो फुलनेस आ जाता है। और जब आप एनाड्रोल यूज़ करो तो माइंड इट फ्रेंड, आप तीनों तरह का जो एरोमेटाइज इनहिबिटर है लाइक नॉल्वाडेक्स, लेट्रोजोल एंड एस्ट्रोजोल, तीनों आप यूज़ करना, क्योंकि ये तीनों अलग अलग तरह के एस्ट्रोजन को ब्लॉक करते हैं और ये स्टडीज़ में भी पाया गया है। आप गूगल में आप स्टडी कर सकते हो। तो एनाड्रोल प्री कॉन्टेस्ट में बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि डाइट जब आप करते हो बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे आपको आपका जो मसल का फुलनेस होता है, जो आप बिग लगते हो, जो आपका एक पंप होता है वो चला जाता है, आप अच्छे तो लगते हो लेकिन आप बॉडी काफ़ी छोटा हो जाता है। और एनाड्रोल जब यूज़ करते हो तो आपका RBC काफ़ी बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा पंप आता है, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ जाता है और ये काफ़ी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल एनाड्रोल बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा होगा कि उनका फेस काफ़ी पफी लगता है लेकिन बॉडी जब खोलते हैं तो काफ़ी रिप्ड रहता है, वेंस वगैरह शोल्डर वगैरह के नज़र आते हैं। वो लोग गलती ये करते हैं कि वो एरोमेटाइज इनहिबिटर वो यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से फेस उनका सोइल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं एनाड्रोल इस बार यूज़ करूँगा 100 mg जब डाइट करूँगा तो, और मैं आपको दिखाऊँगा भी कि एनाड्रोल से कोई वाटर रिटेंशन नहीं होता है। अगर आपका डाइट ऑप्टिमल हो, आप एरोमेटाइज इनहिबिटर सही से ले रहे हो, और मेरे साथ अच्छा चीज़ ये है कि मेरा मून फेस वगैरह जब मैं डाइट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरा फेस वगैरह ड्राई हो जाता है, तो मुझे ये सब चीज़ का ज़रूरत, लेकिन मेरा साइज़ जाता है और मसल लॉस भी होता है क्योंकि मैं डाइट बहुत ज़्यादा हार्ड करता हूँ। तो मैं एनाड्रोल को 20 दिन पहले डाइट के ऐड करूँगा ताकि मेरा मसल का राउंडनेस फुलनेस वो बरकरार रहे। और एनाड्रोल का बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है कि डाइट में ये एपेटाइट सप्रेसर है, तो जब डाइट के टाइम आप लेते हो तो ज़्यादा खाना खाने का मन नहीं करेगा, और डाइट के टाइम हम लोग को ज़्यादा खाना भी नहीं है, तो जो क्रेव होता है एक ज़्यादा खाना खाने का, कार्बोहाइड्रेट खाने का, वो एनाड्रोल ऐसे ही सप्रेस कर देता है। तो काफ़ी अच्छा है, आप इसे प्री कॉन्टेस्ट या डाइटिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो। और एक बात तो श्योर है, एनाड्रोल आपको वो मसल फुलनेस देगा, वो मसल राउंडनेस देगा, आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, स्मॉल फील नहीं करोगे। तो अगर आप एडवांस बॉडी बिल्डर हो या इंटरमीडिएट हो तो प्री कॉन्टेस्ट या फ़ोटोशूट से 20 दिन पहले आपका बॉडी रेडी है, जस्ट आप शेप देना चाहते हो उसको, तो एक हार्ड डाइट के साथ एनाड्रोल यूज़ करो। आप डी डे में, आप कंपटीशन के दिन में या फ़ोटोशूट के दिन में आप बड़े लगोगे, ह्यूज लगोगे, आपका बॉडी रिप्ड होगा लेकिन साइज़ भी नहीं जाएगा। अगर एनाड्रोल वगैरह आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका बॉडी रिप्ड होगा लेकिन साइज़ राउंडनेस फुलनेस वो नहीं आ पाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप 2 हफ्ते पहले जब आप डाइट वगैरह कर रहे हो, बॉडी तैयार है, तो आप एनाड्रोल हार्ड डाइट के साथ ज़रूर आप यूज़ करना और तीनों तरह के एरोमेटाइज इनहिबिटर को चलाना ताकि आपका फेस वगैरह स्वेल ना हो और कोई भी एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट या वाटर रिटेंशन ना हो। और डाइट आपका अगर अप टू द मार्क रहेगा तो आपको सोचना ही नहीं है कुछ वाटर रिटेंशन वगैरह का, एक हल्ला बन गया वाटर रिटेंशन मून फेस, जस्ट बिकॉज आप डाइट नहीं कर पा रहे हो, आपका मेंटेलिटी उस लेवल का नहीं है, इसलिए आप एनाबॉलिक्स को ब्लेम करते हो, वाटर रिटेंशन ये वो, जस्ट बिकॉज आप डाइट नहीं कर पा रहे हो, आपका मेंटेलिटी स्ट्रांग नहीं है, आप डाइट पे टाइम कम दे रहे हो, सही खाना नहीं खा रहे हो, बाहर का जंक वगैरह खा ले रहे हो, दैट इज़ द रीज़न आप मून फेस हो रहा है आपका, आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है। ये एनाबॉल या डायनाबॉल नहीं कर रहा है, ये आपका डाइट है जो सही नहीं है वो कर रहा है। फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं आपको, जब भी आप डाइट कर रहे हो उस वक्त ऑलरेडी एस्ट्रेनाजोल एनावर
और हेलो टेस्टिंग वगैरह चल रहा है अलग से, आप अगर आप एनाड्रोल वगैरह ऐड करते हो तो ये काफ़ी हेपा टॉक्सिक है, तो आप ध्यान से वहाँ पर ली 52 DS और मिल्क थिसल ये दोनों यूज़ करना, ताकि आपका लीवर सेफ रहे और आपका लिपिड प्रोफाइल बचा रहे और लीवर इंजाइम के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो ये दोनों चीज़ आप ज़रूर ऐड करना, और काफ़ी टॉक्सिक होता है, लीवर टॉक्सिक होता है, तो आप प्रिकॉशन लेकर चलना। लेकिन प्री कॉन्टेस्ट में बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूज लग सके, उनका राउंडनेस और फुलनेस मसल का जाए ना। मैं इस बार यूज़ करूँगा, उसके बाद आपको दिखा भी दूँगा कि इसका रिज़ल्ट मेरे बॉडी पर कैसा आया है और मैं इसके साथ मेरा बॉडी किस तरह रिएक्ट किया है। मैं सब कुछ अपडेट दूंगा, इस बार मैं इसे यूज़ करूंगा ही और बताऊंगा। तो दैट्स इट फ्रेंड, एनाड्रोल आप कटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन बॉडी बिल्डर्स करते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जो रेड बटन निकल गया उसको भी ज़रूर दबाना।